कान्हा कृष्णा की किचन में आप सबका स्वागत है। सबको राधे राधे। आज जो रेसिपी हम आपके लिए लेके आए हैं वो खाने में तो टेस्टी ही है, साथ में स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी है। इस टाइम लौकी खूब आ रही है और आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी के परांठे। लौकी बच्चे कम पसंद करते हैं तो आप उनको किसी भी रूप में खिलाइए, लेकिन बना के ज़रूर खिलाइए। तो चलिए देखते हैं लौकी के परांठे कैसे बनते हैं। आप हमारी रेसिपी को पूरा ज़रूर देखना। लौकी के परांठे बनाने के लिए हमने अब एक लौकी लिया है जिसको हमने धो के अच्छे से छील लिया है। अब इसको हम ग्रेटर की सहायता से कद्दूकस कर लेते हैं। लौकी को हमने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। अब हमने यहाँ पे 2 कटोरी आटा लिया है। आटा आप अपनी आवश्यकता अनुसार लें और इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। 1/2 चम्मच हम हल्दी डाल रहे हैं। 1 चम्मच यहाँ पे हम अजवाइन डाल रहे हैं। 1/2 चम्मच हम साबुत जीरा डाल रहे हैं। 1 चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं। 1/2 चम्मच हींग डाल रहे हैं हम। 1 चम्मच गरम मसाला डाल रहे हैं। 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल रहे हैं। 1 चम्मच हम यहाँ पे चिल्ली फ्लेक्स डाल रहे हैं। अगर आपके पास हो तो डालना, नहीं तो आप ऐसे भी बना सकते हो। 1/2 चम्मच हम यहाँ पे अमचूर डाल रहे हैं। सारी चीज़ों को हाथ से एक बार मिला देते हैं। 3-4 चम्मच हम यहाँ पे घी डाल रहे हैं। अब डालेंगे हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया और साथ में हमने लौकी को कद्दूकस किया था वो भी डाल देते हैं। अब हाथ की सहायता से अच्छे से इनको मिला लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे पुदीना। मेरे पास ये सूखा पुदीना है जिसको हम हाथ की सहायता से ऐसे क्रश करके डालेंगे। पुदीने से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आपके पास हो तो आप डालना। अब इसको भी अच्छे से हम मिला देते हैं। आटा हमने लगा के तैयार कर लिया है। इसको हम 10 मिनट के लिए रख देते हैं ताकि हमारा आटा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। आटा हमारा बिल्कुल सेट हो चुका है तो चलिए बनाते हैं अब परांठे। परांठे बनाने के लिए हम यहाँ पे एक लोई ले रहे हैं और इसको थोड़ा सा सूखा आटा लगा के अच्छे से हम बेल लेते हैं। अब लिया है हमने तवा। तवे को हमने गैस पे रख दिया है और इस पे डाल देते हैं हम परांठा। परांठा हमारा एक साइड से सिक चुका है, अब इसको हम पलट देते हैं। परांठे को हम मीडियम गैस पे सेकेंगे और इसके ऊपर लगा देते हैं घी। दोनों साइड अच्छे से घी लगा के सेक लेते हैं। आजकल लौकी खूब आ रही है, बच्चे लौकी खाना कम पसंद करते हैं। अगर आप इस तरीके से बच्चों को लौकी खिलाएंगे तो बच्चे बड़े खुश होके लौकी भी खाएंगे और परांठे भी खाएंगे पेट भर के। आप इस तरीके से एक बार बच्चों को बना के खिलाना ज़रूर, बड़े ही टेस्टी परांठे बनते हैं। ये देखिए परांठा हमारा बिल्कुल अच्छे से एकदम करारा सिक के तैयार हो चुका है। अब इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट में और हमने दूसरा परांठा भी डाल दिया है। ऐसे ही हम सारे बना लेते हैं। ये लो जी, हमारे लौकी के गर्मा गर्म परांठे बनके तैयार हैं। आप इनको दही के साथ या फिर हरी चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं और हमारी रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करना, आपको बहुत पसंद आने वाली है। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। राधे राधे।